हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग हैं ह्यूंडई क्रेटा में, के एस ट्रिम में। एंड आज हम इसके इन्फोटेनमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको सब कुछ, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या ये ऑफर करता है। एंड अगेन, ये एस ट्रिम का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, ये SX या SX ऑप्शनल ट्रिम का इन्फोटेनमेंट नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले होम इंटरफेस पे जाके, तो वही सेम ग्रैंड आइटन नियोस की तरह में जो इन्फोटेनमेंट आता है, सेम उसी तरीके का इंटरफेस मिलता है। डुअल स्प्लिट में डिस्प्ले, ये यहाँ पे मेन्यू, फ़ोन एंड मीडिया एंड सेटिंग्स ऑप्शन। यहाँ पे आपका कनेक्टेड फ़ोन आएगा और ये आपका रेडियो एंड मीडिया आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें मेन्यू में जाके, तो यहाँ पे कॉल, एंड्रॉयड और एप्पल कार पे जब आप कनेक्ट करोगे तब आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी मैं आपको इन्फोटेनमेंट वीडियो अपनी डाल दूंगा जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड और एप्पल कार पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, मैं आई बटन में डाल दूंगा ऊपर, आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कॉल्स की बात करें, तो जैसे ही आप अपना ब्लूटूथ इससे कनेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली इसमें सिंक हो जाएंगे। मैं आप अपनी मेरी उस इन्फोटेनमेंट वीडियो में देख सकते हैं ये चीज़ कैसे वर्क करती है। उसके बाद यहाँ पे मेमोज वगैरह अगर आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रेडियो और ये आपका मीडिया ऑप्शन, तब आप जब अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मीडिया भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे जाते हैं तो ये वो DRBM कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें एडवांस, ये स्पीड डिपेंडेंट कंट्रोल, लाइक अगर आप हायर स्पीड्स में क्रूज़ कर रहे हैं तो इसकी साउंड ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएंगी, जिससे कि आपका ध्यान ना भटके एंड आप अपना मतलब ड्राइव पे कॉन्सनट्रेट करें बेसिकली। उसके बाद पोजिशन, बेसिकली मान लीजिए आपको सिर्फ इस केबिन में साउंड चाहिए, बाकी केबिन में साउंड नहीं चाहिए, तो सिर्फ आपके इसी केबिन के स्पीकर्स वर्क करेंगे उस वक्त। एंड सिमिलरली अगर आप ऐसे केबिन सिलेक्ट करें तो उस पर्टिकुलर केबिन में ही एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया या फिर केबिन के ही स्पीकर्स चलेंगे। उसके बाद इसके अलावा आप इसको ऐसे भी मतलब यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं एडजस्ट कि कहाँ पर मेरे को सही साउंड चाहिए। लाइक अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इन दोनों में एक साथ चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इस साइड रख सकता हूँ, या फिर मेरे को सिर्फ इन दोनों में चाहिए तो ऐसे, ओके। देन वॉल्यूम लेवल्स, साउंड सिस्टम में जाके आप यहाँ पे बीप साउंड और रिंगटोन साउंड, बीप साउंड बेसिकली वो है, ये आपका अगर डोर ओपन है तो डोर, और आप गाड़ी में बैठे हैं तो उसका चाइम साउंड है बेसिकली। उसके बाद रिंगटोन, क्योंकि इसमें आपको खुद की रिंगटोन है ह्यूंडई की, कॉल वगैरह आता है तो उसकी रिंगटोन के हिस्से लिए है। एंड देन वी हैव दिस फोन प्रोजेक्शंस, बाकी ये मीडिया और वॉइस गाइडेंस दोनों की। फिर इक्वलाइजर की बात करें, वही आपके म्यूजिक के लिए बेस, मिड्स एंड ट्रम्बल्स। एंड देन अगर आपको डिफॉल्टली सेट करना है इसको, फैक्ट्री रीसेट मारना है इनसे सिर्फ साउंड सेटिंग्स को, तो उसके लिए था वो। फिर डिवाइस कनेक्शन में जाके आप यहाँ से ब्लूटूथ और एंड्रॉयड ऑटो वगैरह, ये इसको अनेबल वगैरह कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, और ब्लूटूथ की मतलब डिवाइस कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर बैक करें, उसके बाद व्हीकल्स में आते हैं। व्हीकल्स में आपको इंटरनल एयर कंडीशन की क्लाइमेटिक वगैरह मिल जाएगा, मतलब बेसिकली आप का जो वॉशर वगैरह है उन सब के। फिर ऑटोमेटिक वेंटिलेशन वगैरह, ये मतलब अपने आप सेंस करके इसके सेंसर्स उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एयर कंडीशन को सेट कर देंगे। उसके बाद डिस्प्ले में यहाँ पे मैंने अभी डे लाइट में डाला हुआ है, आप चाहें तो इसे ऑटो इल्यूमिनेशन में डाल सकते हैं, यानी कि डे एंड नाइट को ही अपने आप सेंस करके वो अकॉर्डिंगली अपने ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद मैं इसको हटा के डे लाइट में डाल देता हूँ। फिर ब्राइटनेस, यहाँ पे आप मैनुअली अगर ब्राइटनेस चेंज करना चाहें कि मुझे डे लाइट में कितनी चाहिए और नाइट में कितनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये ब्लू लाइट, जो कि
जैसे आप मान लीजिए रात को चल रहे हैं तो इसकी ग्लेयर वगैरह आता है, तो उस ब्लू लाइट ग्लेयर को ख़त्म करने के लिए, ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े एंड ऑल दैट। उसके बाद यहाँ से आप इसके कलर्स को भी सेट कर सकते हैं कि वार्म और लेस वार्म, मतलब बेसिकली कोल्ड एंड वार्म में इन्होंने ऐसा किया हुआ है। फिर स्क्रीन सेवर वगैरह सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे होम स्क्रीन को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मीडिया नोटिफिकेशंस वगैरह, लाइक जैसे आप आपका एंड्रॉयड तो यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो आप अपनी आपकी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आती हैं उसी की, मतलब जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह हैं, परमिशंस वगैरह दे रखे हैं आपने, तो आपकी नोटिफिकेशंस यहीं पे आती हैं, तो उनको दिखाना है कि नहीं वो उसके लिए है। उसके बाद कीप योर रेयर कैमरा ऑन, रेयर कैमरा ऑन रखना चाहते हैं हमेशा तो उसके लिए ये है, बाकी ये अभी क्लोज ही है, इसको हम ऑन कर सकते हैं बट अभी रहने दीजिए। अब अगर मैं वैसे बात करूँ इसमें बटन्स, आप देखें तो यहाँ पे बटन्स में एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे एक ये कस्टम बटन होता है जिसको हम सेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, मतलब डायरेक्टली जैसे DRVM, ब्लूटूथ ऑडियो, फ़ोन वगैरह किसी पे भी अगर आपको जाना है किसी भी सेटिंग में, तो ये इस बटन को दबाइए आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, सिर्फ इसी को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील के मोड बटन को भी आप सेट कर सकते हैं कि आप मोड, जो ये मोड बटन है यहाँ से आप किस किस चीज़ में आप टॉगल कर सकते हैं, FM AM वगैरह और ब्लूटूथ वगैरह, इन किस सेटिंग्स में आप टॉगल कर सकते हैं इस स्क्रीन पे। ओके, देन वी हैव जनरल सेटिंग्स, देन दिस इज़ वर्जन अपडेट एंड ऑल। अगेन मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक नॉर्मल एंड ब्लूटूथ बेस्ड इंफोटेनमेंट है, तो ये कोई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको ये अपडेट वगैरह के लिए आपको खुद ही यहाँ पे आना पड़ेगा शोरूम वगैरह, मतलब जो सर्विस सेंटर है वही लोग आपको अपडेट करके दे सकते हैं। उसके बाद ये आपकी मेमोरी, वही कोई खास नहीं है, बाकी अगर आप इसका मैनुअल पढ़ना चाहें तो यहाँ आपका QR कोड मिल जाएगा, उसको आप कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ रिमोट लॉक, ब्लूटूथ वगैरह, मतलब ब्लूटूथ रिमोट अभी आपको यहाँ पे मिला नहीं हुआ है साथ में, चाहे तो आप ले सकते हैं, एक्सेसरी होती है वो। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आ जाता है, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड वगैरह सेटिंग्स वगैरह कि आपको किस टाइप का कीबोर्ड चाहिए वो सब। तो यही था इस इंफोटेनमेंट में, बाकी कुछ अलग नहीं है। एंड बाकी बात करें इस इंफोटेनमेंट की फ्लूइडनेस की, तो Hyundai के इंफोटेनमेंट्स ऑलवेज बेस्ट इंफोटेनमेंट्स हैं अभी तक अगर देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और काफ़ी फ्लूइड होते हैं। और इन बटन्स की बात करें तो सीक बटन, मतलब ये बैक वगैरह जाने के लिए बेसिकली, और ये ट्रैक चेंज करने के लिए भी है। उसके बाद ये सेटअप बटन है, इससे आप सीधा सेटिंग्स में आएंगे। फिर ये रेडियो बटन से आप सीधा रेडियो में चले जाएंगे। उसके बाद ये मीडिया एंड ये कस्टम बटन जो भी आप सेट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ट्यूनिंग नॉब्स दे रखी हैं एंड यहाँ पे भी। उसके बाद ये जो वॉल्यूम नॉब है, इसी यही आपका पावर बटन भी, अगर आपको ऑल द वे इसको ऑफ़ करना है स्क्रीन को तो ऐसे ही ऑफ़ कर सकते हैं, और ऑन करना है तो वापस इसको क्लिक करिए तो यहाँ पे हो जाएगा। और साउंड ऑफ कर, म्यूट वगैरह ऑफ करने के लिए इसको सिंगल क्लिक। तो हमारे इन्फोटेनमेंट वीडियो में भी इतना ही था सब, मैंने आपको ज़्यादातर फीचर्स इसके बताई दिए। बाकी अगर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले कैसे कनेक्ट होता है ये देखना है, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड बस यही था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।